हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले जो हमने वर्क के बारे में पढ़ा है, इन दैट केस वी कंसीडर दैट कि जो फोर्स लग रही है बॉडी पे, जिसकी वजह से काम हो रहा है, वो एक कांस्टेंट फोर्स है। ओके, वो बदल नहीं रही है, मतलब ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना ही उसका डायरेक्शन बदल रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स। बट नाउ वी हैव टू स्टडी दैट, हम वो स्टडी कर रहे हैं जिसमें वर्क हो रहा है किसी बॉडी पे, लेकिन जिस फोर्स के द्वारा हो रहा है वो फोर्स बदल रही है। फोर्स के बदलने से हमारा मतलब है कि या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में से किसी एक का बदलना भी फोर्स को बदल देगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आज उसी वेरिएबल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट हमारे पास एक बॉडी है जिसे हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो जर्नी है उस दौरान फोर्स बदल रही है। ओके, वेरिएबल है। So let us consider that, let us consider a point P, and we say that at point P, the force applied on a body is capital F. Okay? So here we consider that for a very small displacement ds, for a very small displacement ds. देखो इस आर्टिकल में क्या है कि फोर्स बदल रही है, फोर्स हमेशा बदल रही है, जैसे जैसे बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है फोर्स बदल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएस कंसीडर करते हैं। दिस इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, दिस इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, ये इतना छोटा है कि वी कैन सपोज दैट कि फॉर दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इतनी छोटी हमने ली है कि वी सपोज दैट इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे फोर्स बदल रही है, बट वी कंसीडर अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड सपोज दैट फॉर दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट एंड द फोर्स इज कैपिटल एफ, द डिस्प्लेसमेंट दैट इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डीएस, दिस इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, इट इज एन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फोर्स। ओके, सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं इसके लिए। सो dW इज इक्वल टू एफ डॉट ds। ने कहा कि हमने बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ली है और उस दौरान जो फोर्स है वो वी अज्यूम्ड इट टू बी अ कांस्टेंट, कि फोर्स एफ लग रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी है। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज dW इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। ओके, या हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, दोनों तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। लाइक हमें बॉडी को ए से बी तक लेके जाना है, तो हमें ये स्मॉल वर्क तो मिल चुका है, हमें टोटल वर्क निकालना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन नंबर वन। सो व्हेन वी इंटीग्रेट दैट, दिस हमें कुछ इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ dW का आ जाएगा W ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डॉट डी एस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटीज एंड वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज dW इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, एंड इंटीग्रेशन आर ए टू, लिमिट्स आर ए टू। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी ऑल्सो हैव एक्सप्रेशन सेपरेटली फॉर एक्स वाई एंड जेड। इस तरह से आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आई इंटू आई इज वन। ओके, सो इट इज फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, आई एम राइटिंग इट सेपरेटली फॉर एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए। एफ वाई डी वाई इट इज फ्रॉम वाई ए टू वाई बी प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, और ये आ जाएगा जेड ए से जेड बी तक। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क के लिए। ये सारे एक्सप्रेशन हमारे वर्क के लिए, बोथ दीज एक्सप्रेशन आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इन्हीं एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फॉर अ वेरिएबल फोर्स, तो वही मैं अभी करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये अभी तक समझ आया होगा। हमने एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ली और अज्यूम किया कि इट इज सो स्मॉल, इट इज सो स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल,
का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा छोटी डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन अज्यूम दैट फॉर वेरी वेरी दैट दैट वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट योर फोर्स इज कॉन्स्टेंट. सो एफ डॉट डी एस एंड वी गेट द एक्सप्रेशन. सिमिलरली वी गेट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड के टर्म्स में हमने उसे सेपरेट कर दिया. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एन न्यूमेरिकल और सॉल्व एन न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट हियर. आप उसे देखेंगे कि कैसे आपने उसे अप्लाई करना है. सो हमारे पास गिवन दिया है कि एक फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर कैपिटल एफ इज इक्वल टू 6x i कैप. ये फोर्स लग रहा है 6x i कैप प्लस 2y j कैप. 2y j कैप. सो दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. सो इट डिपेंड्स ऑन द x एंड y. सो इट इज अ वेरिएबल फोर्स हियर. सो वेरिएबल फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे और ये फोर्स बॉडी पे लगा एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम. ये फोर्स लगा एंड इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम बॉडी पे लगा और उसने बॉडी की पोजीशन चेंज किया फ्रॉम पोजीशन वेक्टर आर वन जो कि दिया गया है 3i + 8j. यहां से आर वन से इसने इसकी पोजीशन को बदला आर टू पे और आर टू का वैल्यू दिया गया है आर टू का पोजीशन दिया गया है 5i cap माइनस 4j cap 5i - 4j cap. तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन. सो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. सो एज वी नो दैट हमें कैसे वेरिएबल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं. सो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे सीधा ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ. सो इट इज लाइक एफ एक्स डी एक्स एक्स ए टू एक्स बी प्लस वाई ए टू वाई बी बिकॉज डी एक्स का वैल्यू होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. ओके, सो देन वी कैन राइट इट एज वाई ए टू वाई बी एफ वाई डी वाई. ओके एवरीवन, सो वी कैन राइट इट एज ए से बी हम यहाँ पुट करेंगे इसको. जस्ट ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स हमें गिवन है 6x एंड एक्स ए का वैल्यू ये इसे बदल रहा है 3 से 5. सो लोअर लिमिट इज 3 अपर लिमिट इज 5 प्लस इंटीग्रेशन व्हाट इज एफ वाई इट इज 2y डी वाई एंड इट इज चेंजिंग इट फ्रॉम 8 to -4. सो लोअर लिमिट इज 8 अपर लिमिट इज -4. तो हमने सिंपल अपने वर्क एक्सप्रेशन में पुट किया एफ डॉट टी एस में एंड इसे सॉल्व हम कर सकते हैं. इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं एंड ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 6x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा 6x² / 2 लोअर अपर लिमिट्स आर लाइक 3 to 5 प्लस और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 2y² / 2 लोअर लिमिट इज 8 अपर लिमिट इज -4. सो ये 2 3 = 6 3x² एंड 5 जब पुट करेंगे 5 5 25 इट इज 75 माइनस हम इसे पुट करेंगे और 3 × 9 इट इज 27 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये कट जाएगा इससे एंड अपर लिमिट इज लाइक 4. सो 4 की जगह 4 को हम y की जगह पुट करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर इट इज लाइक 64 एंड इट इज लाइक 8 8 8. जस्ट अ मिनट, 8 was 2y² / 2. ओके 2y² / 2 देन ये 2 से 2 चला गया अपर लिमिट इज माइनस 4 का स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी 16 - 64. सो व्हेन वी सॉल्व दैट इट कम्स आउट टू बी 48. इट आल्सो 48 ऑफ माइनस साइन सो कट जाएगा तो वर्क आ जाएगा 0. सो देयर इज नो वर्क डन इन दिस केस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट किस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है. दिस इज क्वाइट इजी. सो इस तरह से आप वेरिएबल फोर्स के लिए भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे. विद दैट, thank you very much.